एक नया दिन, एक नई सुबह, फिर से शुरुआत हो चुकी है एक नए सफ़र की। मैं आ चुका हूँ जिब्भी। जिब्भी के पास आपको देने के लिए काफ़ी कुछ तो नहीं है, पर जितना है वो बहुत खूबसूरत है। बनी रहिएगा, व्लॉग बहुत अच्छा होगा। हेलो जी गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड। और आज शायद जो हमारा टूर है, हमारी सीरीज है, शायद उसका भी एंड होने वाला है। रात को इतनी हिम्मत नहीं थी हमारे अंदर कि हम दिखा चुके हैं। हमारा जो प्लान था वो था कसोल से आपको जो है जिब्भी लेके जाएं, बट रात को 9:30 हो गए हमको रास्ते में, और 18 किलोमीटर और है जिब्भी यहाँ से अभी। तो हमको वहाँ स्टे की दिक्कत आनी थी, क्योंकि हमको स्टे का बात तो हुई थी किसी से, पर पता ही नहीं था वहाँ कहाँ होगा वो। तो हमने बिल्कुल सड़क में ही, 18 किलोमीटर पीछे मंगलोर पड़ता है, तो मंगलोर में ही जो है हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली एक, मनोर में ही। 700 रुपये का गेस्ट हाउस पड़ा हमको, तो हमने होम स्टे है मंगलोर, मैं दिखाया था आपको, तो वो ले लिया हमने। हमने सोचा अब टाइम के वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि आगे का कोई आइडिया नहीं है क्या होगा सब कुछ। बहुत रात हो गई थी ऑलरेडी और टायर्ड, तो डेड टायर्ड हो गए थे। तो बस आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी जो प्लान है, जगह डिसाइड करी है वो करनी है, तो अपडेट करते हैं आपको थोड़े से। ब्रेकफास्ट का देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है, और फिर बात करते हैं। खुशबू तो आ रही सुबह सुबह, जल्दी जल्दी उठ गए हैं सारे, स्टे ट्यून्ड। थोड़ा टायर्ड लग रहे होंगे हम, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं। अब 800 किलोमीटर के लगभग 750 के करीब हम ट्रैवल कर चुके हैं बाइक पे, 750 किलोमीटर हो चुका है बाइक पे चलाते चलाते। तो और फिर ऊपर से बाइक ही नहीं है, बाइक राइड ही नहीं, उसमें हम हर रोज़ कोई 7, 8, 10, 12 किलोमीटर चल ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, तो उस वजह से बॉडी थोड़ी टायर्ड हो गई है। ये है जगह, ये वाला होम स्टे है, अंजलि होम स्टे, जहाँ हम रुके थे, मंगलोर जगह है ये। ठीक है, रूम्स भी साफ़ हैं इनके, ठीक है, दिखा देता हूँ पर आपको। रात को तो आइडिया भी नहीं लग रहा था कि है कहाँ, बस ये रूम ही दिखा है बस हमको, ये है, ये होम स्टे है। रूम ठीक है, छोटा सा रूम है, बट मतलब साफ़ है। आप भी कभी लेट हो जाओ तो मंगलोर जगह पड़ती है, वहाँ रुक सकते हैं आप। ऐसे जैसे रूम्स हैं इनके, बेस्ट बड़े वाला है हमारा, इसमें जरा हमने गंदगी फैलाई हुई है थोड़ी। ये वैसे ही बाथरूम है, एक बेड मिल जाएगा यहाँ, एक यहाँ, एक जबरदस्ती वहाँ हो तो वहाँ भी सो सकता है, उसके ऊपर वो शूज़ रैक है और कंबल होते हैं उसमें। बाथरूम है और एक किचन भी है साथ में, फैन लगा है, इस तरह के रूम्स हैं। ठीक है जी, चलें फिर आगे। तो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और अब हम चल पड़े हैं जिब्भी की तरफ। मैंने आपको बताया था मैंने मंगलोर में स्टे किया था, वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर के करीब पड़ता है जिब्भी। तो जिब्भी गांव में देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे हिमाचल में कुल्लू की बंजार घाटी की जो बिल्कुल अनटच्ड ब्यूटी है वो आपको देखने को मिलती है। वैसे तो अगर आप कुल्लू घाटी की बात करते हैं तो कुल्लू में बहुत कुछ है तो देखा जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है, पर अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो शहर की भाग दौड़ से दूर है, शांत है, और आप फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप जिब्भी आइए, आप जिब्भी आपको निराश नहीं करेगा। जिब्भी में देखने लायक जगहें तो कम है काफ़ी, पर मैं आपको बता दूं जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो कुल्लू से जिब्भी लगभग 28 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो जी, क्या हालचाल, कैसे हैं सारे? तो ये समझ लो कि जिब्भी शुरुआत हो चुकी है, और जिब्भी की शुरुआत में ही आपको होम स्टेज, टेंट्स, ये देखो नीचे टेंट्स लगे हुए हैं, ये यहाँ तंबू गाड़े हुए नीचे, ये मिल जाएंगे आपको। सामने नीचे चले जाओगे तो वहाँ पे देखो वो सामने, वो बड़े कूल लग रहे हैं मेरे को, घने जंगलों के बीच। वहाँ चले जाओगे तो वहाँ भी कुछ स्टेज हैं, वापस स्टे ऐसा कुछ लिखा है वहाँ पे, और ये है, ये रास्ता चला गया जिब्भी आगे, छोटी सी मार्केट, और वो सामने जिब्भी शहर, उस जिब्भी गाँव, सीढ़ी नुमा उस पर बना हुआ है पूरा गाँव, स्टेज 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 जैसी बनी हुई है उस पर पूरा गांव बना हुआ है। खूबसूरत गांव है, गांव जाने का तो मौका नहीं मिला हमें, मतलब अंदर एक्सप्लोर करने का, बट आसपास जो जो मेन है यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो जितनी जानकारी है उतना कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ठीक लग रहा होगा, लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी तरह का गाँव है सारा, ये देखो कुल्लू के वैसे तो मोस्टली गाँव आपको ऐसे ही मिलेंगे स्टेज पे। ये नीचे कुछ स्टे ऑप्शंस,
हेलो गाइज, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सारे? वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड. स्वागत है आपका. तो जिबी में हम आप देख सकते हैं, जिबी में समझ लीजिए एक्सट्रीम एंड की तरफ हैं और यहाँ बाइक लगा दी है हमने. इधर ये सामने जहाँ जू व्लॉगिंग कर रहा है, साइड में इसे बाइक लगाई. यही रास्ता आपका जो है जलोड़ी पास रामपुर वगैरह निकल जाता है. जलोड़ी पास यहाँ से 10 किलोमीटर है और जलोड़ी पास अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पास के बाद जो है पासेज ऑब्वियसली काफ़ी हाइट पे होते हैं, तो इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि ऐसी चढ़ाई सीधी आपको लेके आएगी ऊपर. और दूसरी बात है जो रोड है वो काफ़ी छोटा है, तो आप जब भी कोई गाड़ी लाएं अपनी तो ध्यान से चलाएं, बहुत छोटा रोड है तो ज़्यादा स्पीड ना खींचे, मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं ना. और दूसरा, जब भी जलोड़ी पास अगर जा ही रहे हैं तो वहाँ से सरोलसर लेक है जहाँ का ट्रैक है लगभग 4 या 5 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको करना होगा. 2.5 घंटे लगते हैं उसमें जाने जाने में और शायद आने में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा और लग जाएगा. तो 3-3.5 घंटे का ट्रैक है. हमारे पास आज समय नहीं है क्योंकि हमें वापस भी जाना है. समय के अभाव के कारण जो है हम सरोलसर नहीं करेंगे और ऊपर से मोर ओवर हम बहुत ज़्यादा डेड टायर्ड हैं. और मैं चाहता हूँ कि हर जगह पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए तो अच्छा है क्योंकि ये जगह अच्छी है. और फिर ऐसा होता है कि दोबारा वापस आने का रीज़न भी होना चाहिए कुछ, तो इसीलिए आइए देखते हैं. मार्केट की शुरुआत हो चुकी है. जो हिल स्टेशन होते हैं बहुत छोटे छोटे हिल स्टेशन इसी तरह के बसे हुए होते हैं. आमने सामने आपको पहाड़ दिखेंगे, बीच में छोटी सी मार्केट होगी, बट अंदर अंदर कुछ ना कुछ डिस्कवर करने के लिए निकल जाएगा. तो अभी बेहद खूबसूरत, जस्ट बिकॉज की सनराइज़ ही हो रहा है तो ये जो सनराइज़ होता है इस टाइम जो धूप होती है ये बड़ी क्रिस्प होती है और बहुत ब्यूटीफुल होती है. तो ये देख सकते हैं आप, खूबसूरती अपनी ही है कुल्लू वैली की. क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो है मैक्सिमम घरों में लकड़ी का यूज़ हुआ होता है. देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है, जो किसी को पूछते हैं. एक कैफ़े है जिसमें लिखा है पहाड़ी मामा भांजा आरा भाई जी मामटी जी सेफ इन वॉय. ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो हम बोलते हैं एक्चुअली. मोमो लवर्स गुड फूड, मास्क पहने, अच्छा खाना, क्लीन जीबी क्रीन जीबी द मोमो हाउस. पूछते हैं किसी को कि यहाँ पे हमको एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने क्योंकि वहाँ ऑमलेट ही था और ऑमलेट हमने खाना नहीं था सुबह सुबह. तो हम फटाफट से, मैं खाता नहीं हूँ, जो ने खाना नहीं था तो हमने सोचा वहीं चलते हैं और ब्रेकफास्ट यहीं कहीं करेंगे. तो आपको जगह भी दिखा देंगे, देखते हैं. मार्केट है, बंद है, बहुत जल्दी पहुँच गए हम. थोड़ी देखते हैं क्या जीबी हमें देता है. तो अभी मार्केट तो खुली नहीं है बट एक लोकल आइट थे यहाँ पे, उनसे बात हुई हमारी तो उन्होंने ये बोला कि आप एक काम करो अभी के लिए तो वाटरफॉल चले जाओ. तो सुबह सुबह वाटरफॉल देखते हैं, आई एम श्योर वहाँ का व्यू बड़ा ज़बरदस्त हो रहा होगा इस टाइम. तो पहले वाटरफॉल चलते हैं, देखते हैं वहाँ का नज़ारा, उसके बाद फिर कुछ और एक्सप्लोर करेंगे. आई एम श्योर तब तक ये मार्केट भी खुल जाएगी. तो जिबी जहाँ मेन जिबी है वहाँ से थोड़ा सा आगे है वाटरफॉल बोलते, चलते हैं. तो जी हमने सोचा क्यों ना आपको मॉर्निंग की शुरुआत जो है जीबी की फेमस जगह जो बिल्कुल जीबी में है वाटरफॉल वहाँ से करवाई जाए. वैसे आपको बता दूं अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो जीबी आपके लिए एक बड़ी अच्छी जगह मानी जा सकती है. यहाँ पे एक हिमालय नेशनल पार्क है, आप ट्रैकिंग करके यहाँ जा सकते हैं. यहाँ पे एक इको जोन में स्थित एक गाँव है जहाँ पे अगर आपको अनुमति मिलती है तो आप अपना रहने का शौक पूरा कर सकते हैं. जीबी गाँव में गत्थर टॉप है, रोला जलप्रपात है और शिल्ट हट ट्रैक है. ऐसे शानदार ट्रैक्स हैं. आसपास अगर आप देखेंगे तो मौजूद गुशैनी है, सैंज है, परेखी है, वैसे अल्टीमेट गाँव है जहाँ आप जाके ट्रैक कर सकते हैं और उनका खूबसूरती का नज़ारा ले सकते हैं. वैसे आपको बता दूं इसके आसपास जो है जलोड़ी पास है, रघुपुरगढ़ है, आपका सरोलसर लेक है जो इससे लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है. तो बहुत सारी जगहें हैं आसपास जो आप देख सकते हैं पर आपको सारी नेचर से भरी हुई है. अगर आप एक ट्रू नेचर लवर है तो मैं बता दूं आपके लिए प्लेस ये आइडियल हो सकती है. 10 मिनट ड्राइव किया हमने, 5 से 10 मिनट ड्राइव करने के बाद आप पहुँच जाते हैं जी यहाँ पे. ये है जिबी का वाटरफॉल, इस पे लगा है ताला, शायद साइड से जा सकते होंगे ऐसा हमने अनुमान लगाया. हमें ऐसा लगता है कि फिलहाल हम ही हैं जो जिबी वाटरफॉल जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ही जल्दी आ गए हम, शायद अभी 8:15 हुए हैं और हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल की तरफ. बस ये छोटा सा रास्ता मेंटेन किया गया है साफ, छोटे छोटे लकड़ी के पुल दिखेंगे आपको
और इसी से गुजरते हुए पहुंच जाएंगे आप जीबी वाटरफॉल। इस तरह का एक आपको नेचुरल, यहाँ से अभी हम आए हैं नेचर के काफ़ी करीब है ये वाटरफॉल। नाइस, अच्छी प्लेस है। तो ये है जी वाटरफॉल का सुबह सुबह का नज़ारा, सुबह 8 बजे का है। तो अभी यहाँ पे कोई नहीं है, हम ही हैं। पीछे देखो रेनबो, तो अच्छा लग रहा है। आके नहा नहीं सकते अभी इसमें क्योंकि सुबह सुबह ठंड काफ़ी है, बीमार पड़ जाएंगे, बट शायद थोड़ी धूप में आओगे तो आप यहाँ नहा भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छी जगह है, थोड़ी स्लिपरी है नीचे, ध्यान रखना आपका पैर ना फिसल जाए आपका और आपके बच्चों का। तो वाटरफॉल तो हो गया, वहाँ से आए अभी हम, ये ऊपर रास्ता बहुत पास है, मेन जीबी में ही है, पैदल भी जा सकते हैं, मतलब जीबी में गाड़ी खड़ी है तो पैदल पैदल घूमते हुए वाटरफॉल जा सकते हैं एंजॉय करते हुए। तो ये है कुछ स्टे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जिसमें रेनबो होम स्टे कैफ़े जीबी, और सामने मोबाइल नंबर लिखा हुआ है इनका, और लोकेशन साफ़ है इसकी, अच्छी लोकेशन है, जीबी है बिल्कुल ये, और अच्छी जगह है रहने के लिए। नीचे अगर आप देखोगे तो मड हाउस है, ये है एक स्टे उधर है इनका ना, एक्चुअली सीजनल होता है रेट, अभी आपको 1000-1200 में मिल जाएगा कमरा, बिल्कुल ही सीज़न चल रहा होगा वही कमरा 2500-3000 में भी चलेगा आप। तो लोकेशन आप एक बार देख लो, अच्छी लगी ये वाली जगह बिल्कुल, जो वाटरफॉल के पास जाते हैं रहने के लिए अच्छी है, बॉनफायर वगैरह भी यहाँ इंतज़ाम हुआ है और गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं टूरिस्ट की। जी ये तो था जीबी। अब मैंने सुना है कि इसके आसपास एक ऐसी जगह है जिसे सोजा बोलते हैं, और मैंने सुना है वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से ऑफबीट डेस्टिनेशन है। तो अब आपको अगली डेस्टिनेशन में वहाँ लेके चलेंगे, तो तब तक बने रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए इंस्टाग्राम पे मुझे sandy_shimla मेरा आईडी है, मुझे फॉलो कर लीजिए और बने रहेगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड माय फ्रेंड्स, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ।